Wayne. 911 to 6-1. Postman, Parker, Woodstock, coming up to try backup. Short standby on water. Fire at 6-9-9-2-12. T-30 to Woodstock, please. Policy ready at 5-9-2-4. चौदह साल में छह कत्ल करने वाली केरल की लेडी साइनाइड किलर की कहानी जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है कहानी का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। केरल पुलिस की माने तो खाने में पोटेशियम साइनाइड मिलाकर छह लोगों को धीमी मौत देने वाली जॉली ने दो और कत्ल करने की तैयारी कर ली थी। इन दोनों कत्ल के लिए उसने साइनाइड की खुराक देनी भी शुरू कर दी थी। छह कत्ल के बाद अगला दो कत्ल दो बच्चों का होना था। केरल सीरियल मर्डर केस में नया खुलासा। खानदान के छह लोगों को साइनाइड देने के बाद दो और बच्चियों को साइनाइड देने वाली थी। केरल की कोझिकोड पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे केरल सीरियल मर्डर केस में नया खुलासा होता जा रहा है। ससुराल के छह लोगों को पोटेशियम साइनाइड खिलाकर मौत की नींद सुलाने वाली इस जॉली का अगला निशाना परिवार की दो और मासूम बच्चियां थीं, जिनकी परिवार के मुखिया टॉम थॉमस से रिश्तेदारी थी और वो यहाँ इसी घर में रहती हैं। जॉली ने उन बच्चियों को खाने में मिलाकर पोटेशियम साइनाइड की बेहद हल्की डोज दे भी दी थी। पुलिस के मुताबिक इन दोनों बच्चियों का भी वही हाल होता जैसा अनम्मा थॉमस, टॉम थॉमस, रॉय थॉमस, मैथ्यू मंजादिल, अल्फाइन और फिली थॉमस का हुआ था। मगर वक्त रहते उन बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी जान बचाई जा सकी। परिवार वालों ने भी बताया कि इन बच्चियों को खाना खाते ही बेचैनी महसूस हुई और मुंह से झाग तक निकल आया था। जॉली उस वक्त भी वहां मौजूद थी क्योंकि ये खाना भी उसी ने तैयार किया था। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि अस्पताल में भर्ती उन बच्चियों की तबीयत किन वजहों से खराब हुई। रिश्तेदारों से भी बयान लिया जा रहा है ताकि इस मामले में भी जॉली पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया जा सके। इनमें से एक बच्ची जॉली के पहले पति रॉय थॉमस की सगी बहन की बेटी है जबकि दूसरी बच्ची इस परिवार के ही एक रिश्तेदार की बेटी। मगर सवाल ये था कि जॉली अल्फाइन की तरह आखिर उन बच्चियों को अपना निशाना क्यों बना रही थी, क्यों उसे बच्चियों से नफरत थी। दरअसल जॉली को लगता था कि बच्चियां बड़ी होकर मुसीबत बन सकती हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन बच्चियों को जॉली ने मारने की कोशिश की उनकी तादाद दो नहीं बल्कि पांच है। मगर फिलहाल परिवार की ही दो बच्चियों की हत्या की कोशिश के सबूत पुलिस को मिल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जॉली ने अपने दोस्तों की बच्चियों को भी खाने में पोटेशियम साइनाइड देने की कोशिश की है। केरल के कोझिकोड में पुलिस ने जॉली थॉमस नाम की इस महिला को गिरफ्तार किया है। इस पर इल्जाम है कि इसने 14 सालों में अपने परिवार के 6 लोगों को खाने में पोटेशियम साइनाइड देकर मार डाला। जॉली की गिरफ्तारी के बाद 4 अक्टूबर को पुलिस ने कुडाथाई के लॉर्ड्स माथा चर्च के कब्रिस्तान से खुदाई करके गड़े मुर्दे निकाले और उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। जॉली ने ये हत्याएं साल 2002 से लेकर साल 2016 के बीच की थी। सभी को खाने में पोटेशियम साइनाइड की हल्की मात्रा देकर मारा गया था ताकि इसे खाने वाले की मौत फौरन न हो बल्कि धीरे धीरे हो और उस पर कोई शक भी न जाए। केरल की सीरियल किलिंग के बाद पुलिस इस मामले से जुड़ा कोई भी एंगल छोड़ना नहीं चाहती है, लिहाजा कब्र से निकाले गए कंकालों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। केरल के डीजीपी का कहना है कि जरूरत पड़ी तो अवशेषों को जांच के लिए विदेश भी भेजा जा सकता है ताकि मौत की सही वजह पता लगाई जा सके। जॉली का बचपन एक ऐसे परिवार में बीता जो न सिर्फ गरीब था बल्कि वहां लड़कियों को बोझ समझा जाता था। इसीलिए उसकी नजर पहले दिन से थॉमस खानदान की प्रॉपर्टी पर थी ताकि वो अमीर होने के एहसास को महसूस कर सके। मगर गरीब से अमीर बनने की इस चाहत के सफर में उसे लड़कियों से कब नफरत पैदा हो गई पता ही नहीं चला। शाजू की 2 साल की बेटी अल्फाइन को मारने के बाद वो अपने परिवार और दोस्तों की बेटियों को भी निशाना बनाने लगी। वो तो गनीमत थी कि वक्त रहते जॉली का भेद खुल गया वरना न जाने कितनी मासूम बच्चों की कब्रें खुद जाती। अब ये चेहरा दिखाए जाने लायक नहीं है, इसे छुपा लेना ही बेहतर है। ये दिख जाएगा तो लोग हर मुस्कुराते चेहरे पर शक करेंगे, हर बोलती हुई आंखें उन्हें डराएंगी, हर खुली बाहें उन्हें खौफ से भर देंगी। एतबार खत्म हो जाएगा हर खूबसूरत चेहरे से, उस रिश्ते से
जो ज्वाली का इस घर से था। हर मुसीबत की जड़ ये बंगला है। 2 बीघे में फैला ये लकदक बंगला न होता तो 2-2 गज जमीन के नीचे इस घर के आधा दर्जन लोग कैद न होते। इन 6 लोगों को इस कलयुगी बहू ने 14 सालों में एक एक करके मार डाला। मरने वालों में सास ससुर, पति, दूसरे पति की पत्नी और 2 साल की मासूम बच्ची अल्फाइन भी शामिल थी। मगर ये तो बस शुरुआत थी थॉमस खानदान की। इस बेरहम बहू ने तो अल्फाइन की तरह ही इस परिवार की कुछ और बच्चियों को भी वही जहरीला पोटेशियम साइनाइड देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे लड़कियों से नफरत थी। मगर गनीमत रही कि वक्त रहते इस साजिश का खुलासा हो गया। केरल में हुई इस सीरियल किलिंग का ये मामला जितना बड़ा है उतना ही अहम था इसका खुलासा। 14 साल में परिवार में हुई 6 मौतों के बाद टॉम थॉमस के छोटे बेटे रोजो थॉमस केरल पहुंचे। उन्हें शुरू से ही शक था कि इन 6 मौतों के पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। माँ बाप, भाई, मामा, चाचा के बेटे की पत्नी और बेटी की मौत ने तो उन्हें परेशान कर ही दिया था, मगर जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये कि चाचा के बेटे शाजू की पत्नी फिली की मौत के साल भर बाद ही 2017 में उसकी भाभी जॉली ने शाजू से शादी कर ली। इसके बाद रोजो ने जब घर के प्रॉपर्टी के कागजात देखे तो पता चला कि ज्यादातर प्रॉपर्टी उसकी भाभी जॉली ने अपने नाम कर ली है, वो भी अपने पति रॉय और सास ससुर यानी अनम्मा और टॉम के फर्जी दस्तखत से। इसी के बाद रोजो ने पुलिस में शिकायत करा दी और शक जताया कि पिछले 14 सालों में उसके परिवार में हुई 6 मौत सामान्य नहीं बल्कि कत्ल है। इसके लिए रोजो ने अपने भाई और जॉली के पति रॉय की उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें शरीर में जहर पाए जाने की बात कही गई थी। इसी के बाद पुलिस ने जॉली के पति रॉय की मौत के मामले की तफ्तीश करने का फैसला किया। केरल पुलिस तो एक कत्ल के मामले की तफ्तीश कर ही रही थी, मगर जॉली ने पूरे 6 कत्ल की कहानी सुनाकर उसे सख्ते में डाल दिया। 4 अक्टूबर 2019 रोजो थॉमस की शिकायत के बाद पुलिस ने जॉली थॉमस को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में हुए खुलासे के बाद पुलिस ने कुडाथाई के लॉर्ड्स माथा चर्च के कब्रिस्तान में 6 कब्रों में दफन लाशों की खुदाई शुरू की। अवशेषों को निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया गया। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में अवशेषों की जांच की जा रही है। 5 अक्टूबर 2019 जॉली के बयान के बाद पुलिस ने उसके साथ मैथ्यू, ज्वेलरी की दुकान में काम करने वाले एक शख्स और प्राजी कुमार नाम के एक ज्वेलर को साइनाइड मुहैया कराने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जॉली के कमरे से टॉम थॉमस की प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद किए और जॉली के पास से कोझिकोड के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फर्जी प्रमाण पत्र भी मिला। 6 अक्टूबर 2019 पुलिस ने कोझिकोड सीरियल किलिंग के इस मामले में 7 और लोगों से पूछताछ की। पुलिस को शक है कि इन लोगों ने जॉली का साथ दिया। साथ ही पुलिस ने उन लोगों से भी पूछताछ की जिन पर प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज बनवाने में साथ देने का शक था। 7 अक्टूबर 2019 जॉली के दूसरे पति शाजू से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। शाजू पर शक था कि उसने अपनी पत्नी फिली और बेटी अल्फाइन को मारने में जॉली का साथ दिया। हालांकि पुलिस को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। फिलहाल इस एंगल पर भी जांच जारी है। 8 अक्टूबर 2019 पुलिस ने फैसला किया कि अगर भारत में कब्र से निकाले गए अवशेषों की फॉरेंसिक जांच मुमकिन न हो सकी तो उन्हें विदेश भेजा जाएगा। इस सीरियल किलिंग केस में शाजू और जॉली का रिश्ता शक के दायरे में है। शाजू का कहना है कि उसने जॉली की जिद पर उससे शादी जरूर की, मगर अपनी बीवी और बच्ची के कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को इस कहानी पर शक है। उसने शाजू को छोड़ तो दिया है, मगर जांच के दायरे में वो अब भी है। 14 साल में 6 मौत, यानी हर मौत आहिस्ता आहिस्ता, पर कैसे? तो इसका जवाब सामने आया था पोटेशियम साइनाइड नाम के सबसे खतरनाक जहर से। जॉली हरेक को खाने में बस इतना जहर देती कि वो फौरन नहीं बल्कि आराम से मरे, दिन हफ्ता महीना लेकर मरे और किसी को शक भी ना हो। पर 6-6 कत्ल क्यों? तो इसकी वजह थी दौलत और शादी। हर मौत की वजह एक ही थी, हर मौत का तरीका भी एक था, हर मौत की वजह भी एक थी। जॉली ने 6 के 6 कत्ल पोटेशियम साइनाइड नाम के जहर से किए। वो अपने हर शिकार को पोटेशियम साइनाइड की इतनी मात्रा खाने में मिलाकर देती कि अचानक मौत ना हो बल्कि धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़े और किसी को शक भी ना हो। 6 में से 5 कत्ल खाने में पोटेशियम साइनाइड की मात्रा मिलाकर किए गए, जबकि 1 को पानी में मिलाकर दिया गया।
पर जॉली ने ये कत्ल किए क्यों? तो दरअसल थॉमस परिवार का पूरा कंट्रोल अनम्मा यानी जॉली के सास के हाथ में था, और यही बात जॉली को पसंद नहीं थी। प्रॉपर्टी में भी वो सारा हिस्सा खुद चाहती थी, जबकि शाजू दिखने में अच्छा था, लिहाजा वो शाजू जैसा ही पति चाहती थी। बस इसी वजह से उसने एक एक कर अपने रास्ते के सारे रोड़े हटा दी। जॉली ने शाजू की मदद से ही पोटेशियम साइनाइड हासिल किया था। इसमें इनका तीसरा साथी भी था, जो एक ज्वेलरी की दुकान में काम करता था। पोटेशियम साइनाइड वहीं से लाया गया था।